हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग MDM। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे और आपकी फैमिली बहुत अच्छे से होगी। तो क्या कुछ है आज के AI मार्केटिंग के अपडेट्स, उसके बारे में हम पूरे बात करेंगे, और क्या है आज के कुछ आपके क्वेश्चंस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि इस टाइम लोगों के बीच में क्या चल रहा है और लोगों का फ़ायदा लिया जा रहा है, इस टाइम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कुछ यूट्यूबर की तरफ से, और क्या है ये वीडियो, इसमें हम देखेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं और उनके उस पैनिक फन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं आपको कंप्लीट लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह लोगों का मतलब मजाक बनाया जा रहा है। एक मतलब होता है ना, एक सोची समझी उनको एक जाल में फंसाया जा रहा है, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। तो फ्रेंड, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है एक्चुअली AI मार्केटिंग में। लोग जो है वो दो हिस्सों में इस टाइम डिवाइड हो चुके हैं। तो एक्चुअल है क्या AI मार्केटिंग में, क्या ये सच में फेक है या रियलिटी है, AI मार्केटिंग एक सही कंपनी है या फेक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर हमारे चैनल पर हम नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टाइम एक न्यूज़ फैल रही है दो दिन पहले जो मीटिंग पोस्टपोन हुई हमारी, उसके बाद कुछ यूट्यूबर ने मतलब वीडियो बनाई कि AI मार्केटिंग जो है वो स्कैम है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कमेंट किए, सर देखो ये तो इसमें सीधे बोल रहे हैं कि ये स्कैम है, जबकि उन्हीं यूट्यूबरों ने इसमें पहले 50-50 वीडियो बना के रखी है और हर रोज़ ये बोल रहे थे कि AI मार्केटिंग जो है वो सही है। वो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किस तरह की मतलब कहाँ तक गिर सकते हैं, जिसका मतलब आपको अंदाज़ा नहीं। और उसमें लोग जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक फील कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसमें मैं क्यों ना आपको एक सही बताऊँ कि मतलब लोग अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहे हैं, ना कि वो आपको कुछ सही दिखा रहे हैं। और उससे पहले मैंने आपको बोल के रखा कि मेरे चैनल पर आपको जो भी मिलेगा वो 100% सच बोला जाएगा, तो जो भी होगा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं आपको। और आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है। तो चलो मैं दिखाता हूँ। जो दो दिन पहले एक यूट्यूबर ने मतलब एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसने सीधे बोला था कि AI मार्केटिंग जो है फेक है, क्योंकि इसका कोई फेस नहीं है मतलब। तो लोगों ने कमेंट किए, सर ये वीडियो देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, ये तो सीधे बोल रही है स्कैम है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसका नतीजा क्या हुआ जब लोगों ने उसे क्वेश्चन पूछे, तो अभी क्या हुआ। तो हम चलते हैं, कौन है वो यूट्यूबर, मैं आपको अपने फ़ोन में सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अर्न विद मन्नू नाम का एक यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो भी लेटेस्ट वीडियो हम देखते हैं, यहाँ पर ये है इसकी लेटेस्ट वीडियो जो 14 आवर पहले आई थी। और इससे पहले जो इसकी वीडियो आई थी, उसमें इसने बोला था कि AI मार्केटिंग फेक है, जो वीडियो अभी इसने डिलीट कर चुकी है, क्योंकि इसके पहले जो सेकंड वीडियो दिखा रहा है वो 3 दिन पहले की दिखा रहा है और वो किसी और पर, और उससे पहले की जो वीडियो आ रही है वो AI मार्केटिंग गुड न्यूज़। तो देखिए गुड न्यूज़ कैसे इसने बैड न्यूज़ में बना दी, और इसमें इसने क्या लिखा है थंबनेल फ्रेंड्स, AI मार्केटिंग विड्रावल डेट स्टार्ट कर रहा है कंपनी। तो देखिए, इससे पहले AI मार्केटिंग का इशू, AI मार्केटिंग कार्ड्स, कितनी AI मार्केटिंग गुड न्यूज़, AI मार्केटिंग मतलब कितनी गुड न्यूज़ इसने AI मार्केटिंग में दी हुई है। देखिए कितनी मतलब कब से ये AI मार्केटिंग वीडियो बना रही थी, और यहाँ पर जो इसने वीडियो डिलीट कर रखी है उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अपने फ़ायदे के लिए मतलब ये यूट्यूबर कहाँ तक गिर सकते हैं, मतलब लोगों को कितना बेवकूफ़ बना सकते हैं। देखिए, अगर ये आज तक ये कम से कम 5 मंथ से ये वीडियो बना रही है AI मार्केटिंग, इसके अगर चैनल पर देखोगे 160+ से इसकी वीडियोज़ है, जिसमें ये हर वीडियो में बोलती है कि हाँ AI मार्केटिंग जो है वो सही है। और यहाँ पर जो इसने वीडियो डिलीट कर दी है, आप लोगों ने भी देखी होगी वो वीडियो, और अभी जो उसके बाद इसकी नई वीडियो आई है, इसमें भी ये बोल इसने बोला है कि ये मतलब सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोला है कि ये स्कैम है, लेकिन इसकी बुराइयाँ कर रही है। मतलब वो होता है ना, अब मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है और इसको लग रहा है क्या पता यार, मतलब मैं खुद क्या करूँ, अब सेफ खेलूँ, मतलब मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जो लोगों के बीच में वायरल हो जाए और मुझे व्यू अपने आ जाए। तो लोग पहले ही पैनिक हैं, वो देखना चाहते हैं कि मतलब क्या है रियलिटी, और उस अपने मतलब फ़ायदे के लिए ये लोगों को क्या कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है, लोगों की मतलब बहानों के साथ खेल रही है। जो रियलिटी है मतलब अपने मुँह से, मैंने आपको पहले ही बोला कि हम जो भी आपको बोलेंगे वो सही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि अपने मुँह से बोलेंगे। और ये क्या कर रहे हैं इस टाइप के यूट्यूबर, अपने मुँह से बोल रहे हैं हाँ AI मार्केटिंग सही, जबकि उनको कुछ पता ही नहीं है, और अपने मुँह से बोल रहे हैं कि ये स्कैम है। कुछ हो गया, मीटिंग पोस्टपोन हुई, तो इनको पता नहीं है मतलब मीटिंग क्यों पोस्टपोन हुई, क्या रीज़न है, AI मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस टाइप के यूट्यूबर को देखने की ज़रूरत नहीं है और इनके ट्रैप में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल्स देखिए, इसने जो वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। यहाँ पर इसने लोगों को ये भी बोला था, इसको एक ने बोला था कि यहाँ पर देखिए क्या लेवल है आपका, उसके बाद अगर मैं आपका देखूँगा, इसने ये वीडियो थी, इसका जो थंबनेल है यहाँ पर AI मार्केटिंग क्विक अपडेट्स,
ये वीडियो इसने बनाई थी, जो इसने अभी इसने हटा दिया, क्योंकि लोगों ने जब इसको क्वेश्चन पूछे कि तुम बताओ आप कैसे बोल रहे हो ये स्कैम है, अगर आपको आज तक पता नहीं था, अगर आप आज बोल रहे हो कि स्कैम है जबकि इसके पास कोई आंसर नहीं थे, तो इसने वीडियो को जो है डिलीट कर दिया। इस पर इसको एक ने कमेंट किया था, आज आप सबका भले भले की बात की हो, थैंक यू। मतलब इसने ऐसा बोला कि आपने सही बोला, ये मतलब सबकी भले की बात की। तो इसमें यह बोल दिया कि वीडियो शेयर करो, वीडियो ज़्यादा मतलब वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। अगर ये बोल रहे कि वीडियो को शेयर करो, अगर इसको पता था कि ये वीडियो सही है, मैं सही बोल रही हूँ, कुछ मेरे पास प्रूफ है कि ये स्कैम है, तो इसने वीडियो क्यों हटा दी? तो ये क्वेश्चन इसको तो बनता है ना फ्रेंड, कि तूने वीडियो क्यों हटा दी अगर तुम ये बोल रही थी कि एआई मार्केटिंग स्कैम है, और अगर ये गलत नहीं होती, इसके पास कुछ प्रूफ होता कि एआई मार्केटिंग स्कैम है, तो वो वीडियो कहाँ गई? यहाँ पर देख सकते हो आप, एआई मार्केटिंग क्विक न्यूज़ जो है, अभी वो जो थंबनेल था वो यहाँ पर कहीं नहीं है, और वीडियो जो है वो हट चुकी है यहाँ से। यह अरविंद मनु जो इसने मतलब एक फेक न्यूज़ अपने मुंह से मतलब डाला कि हाँ ये है, ये स्कैम है, आपको क्या करना है, इससे बच के रहना है। तो फ्रेंड्स, और मुझे भी बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे, सर देखो इस तरह की वीडियो बनने लगी है, मतलब हम मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि मतलब कोई वीडियो बनाया या नहीं बनाया, मैं इसको कोई मेरे को पर्सनली दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी मतलब अगर लोगों को कोई वीडियो मतलब मैं हूँ या कोई और भी है, जितने लोगों को आप देखते हो जो भी बनाता है वीडियो, तो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जैसे लग रहा है कि सब कुछ सही जा रहा है, तो हाँ सही जा रहा है, कुछ थोड़ा सा बैड हुआ तो मतलब इनको पता नहीं है उसका बेसिक्स क्या है, किस पे मतलब क्यों मीटिंग पोस्ट फोन हुई, इसमें डिले क्यों हो रहा है। तो अपने फ़ायदे के लिए मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना ये छोड़ लीजिए, जितने भी यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ लोगों को सच्चाई उनके सामने रखिए, जो भी सच्चाई है। अगर एआई मार्केटिंग मान लीजिए कल को भाग गई, तो उसमें क्या मतलब सीधे बोलेंगे हाँ भाग गई, तो लेकिन हम अपने मुंह से क्यों बोलेंगे फेक है? अगर फेक नहीं है तो, अगर सही है तो सही बोलेंगे, अगर फेक है तो फेक बोलेंगे। सही को हम गलत नहीं बोल सकते और गलत को हम सही नहीं बोल सकते, ये सिंपल रूल है। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब सही को गलत बोल रहे हैं और गलत को सही बोल रहे हैं, फिर जब लोगों ने कमेंट किए पूछना स्टार्ट किया तो फिर क्या किया, वीडियो को ही हटा दिया। तो इस तरह से आपको बचने की ज़रूरत है फ्रेंड, इस तरह से लोगों को, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये झूठ इसने मतलब बोला था यहाँ पर, तो इसलिए आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये इसकी वीडियो देखकर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब क्या कर रहे हैं हम, अब तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, ये मतलब वीडियो यूट्यूबर भी बोलने लग गए आपकी ये स्कैम है, अभी तक तो यूट्यूबर बोल रहे थे कि हाँ ये स्कैम नहीं है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, क्योंकि अगर ये गलत सही होती है, मतलब इसके पास कुछ प्रूफ होता है, कुछ इसको पता होता है कि एक्चुअली है क्या ये मार्केटिंग, कैसे काम कर रही है क्या नहीं है, तो ये अपनी वीडियो को क्यों डिलीट करती? तो ये आपने देख लिया कि इसने जो है वो वीडियो को डिलीट कर दिया है, क्यों? क्योंकि इसने अपने व्यूज़ के लिए वो किया था, और इसको पता चला कि अब मुझे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरे पास आंसर है नहीं, तो इसने सिंपली क्या कर दिया, वीडियो को ही वहाँ से हटा दिया फ्रेंड्स। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसने बोला था, वो देखो आप इसने खुद ही मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं गलत थी। तो इस तरह के यूट्यूबर को तो पहली बार आपने देखने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को ही देखो, जो आपको सही न्यूज़ देते हैं उसको देखो, जो आपको सही बोलता है, सच बोलता है, ना कि अपने फ़ायदे के लिए एक दिन आपको बोलेगा कि हाँ ये चीज़ सही है, और अपना फ़ायदा जब उस चीज़ से उसको मिल गया, 5 दिन के बाद फिर उसी मतलब अपने फ़ायदे के लिए उसी चीज़ को गलत बोल देगा। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, और जिन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक फील हो रहा है कि यार मतलब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि स्कैम है, तो ये वीडियो उन तक पहुँचो। आप देखो, आपको जो लोग ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं वो ही मतलब खुद ही मतलब डर के वीडियो डिलीट कर रहे हैं। तो आप बोलते हैं ना, अगर आपको खुद में ही भरोसा नहीं है कि यार मैं कर सकता हूँ ये चीज़, तो आप कैसे कर सकते हो? पहली बात यह है कि खुद आप पॉजिटिव रहो, या मतलब अपने अंदर विश्वास रखो, जो भी है मतलब खुद से रखो, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं रहो, बोलते हैं ना खुद लड़ो, लड़के ही मतलब आगे आने में फ़ायदा होता है। तो आप स्ट्रांग रहो, पॉजिटिव रहो, लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, किसी की बातों मतलब कोई आपको गलत गाइड कर रहा है तो उसकी बातों में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले आपको बोला है कि कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन लाइफ में लेते हो, तो अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो उसको देखो क्या वो सही है, उसके फैक्ट पे देखो, ये नहीं किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप उसकी चीज़ को सही मान रहे हो, या किसी ने आपको बोला उसकी चीज़ को गलत मान रहे हो। अगर कोई आपको सही बोल रहा है उस पर भी देखो क्या फैक्ट, किस फैक्ट पे बोल रहा है वो, आपको क्या फैक्ट है उसके, मतलब क्या था कि वो चीज़ सही है। अगर वो गलत बोल रहा है तो वो क्या फैक्ट दे रहा है आपको कि ये मतलब गलत है। तो इस चीज़ से आपको समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो यूट्यूबर हैं या कोई भी मतलब आपको इस तरह से बोलता है कि स्कैम है, वो है, ये है, तो उसमें भी आने की ज़रूरत नहीं, और कहीं और भी स्कैम में फंसने की ज़रूरत नहीं। मतलब कहीं ऐसी कंपनी में चले जाओ, कहीं जगह इन्वेस्ट कर दो जहाँ की आपको पता नहीं हो, कोई आपको लालच दे कि हाँ यहाँ पर आपको इतने डॉलर मिलने वाले हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो। देखिए, मेरे को भी मैसेज आ रहे थे कुछ दिन पहले कि आप एक कुछ कंपनी का नाम था, आप यहाँ पर कोई वेबसाइट थी, इन्वेस्ट करो, हम
अपनी तरफ से आपका जो है वो हम $200 इन्वेस्ट करेंगे, $100 आपने इन्वेस्ट करना है, तो उसके बाद जो है आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। 10 दिन में बहुत मतलब आप पता नहीं $500 कमा दोगे। तो ऐसी मतलब वेबसाइट पे पैसा इन्वेस्ट करने की बिल्कुल नहीं सोचना। कहीं भी आपने इन्वेस्ट करो, मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे कमेंट करके बोलो या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर मुझे कमेंट करो और बोलो कि इस वेबसाइट का रिव्यू करो। कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किए हुए हैं कुछ वेबसाइट्स के, तो मेरे अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं जल्दी, मतलब 10 दिन के अंदर, तो मैं एग्ज़ाम ख़त्म करके या उससे पहले अगर मुझे टाइम मिला फ्रेंड्स, तो मैं उनकी मतलब जो वो वीडियो है उसे बनाऊंगा। मैं उनकी वेबसाइट को मैं मतलब ऐसे से देखूंगा वो क्या है, सही है या फेक है, तो उस पर मैं आपको रिव्यू दूंगा। और अगर आप भी चाहते हो किसी वेबसाइट पर इन्वेस्ट करना चाहते हो या कहीं इन्वेस्ट कर रखा है कि आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सही है या गलत है, मैं उसका रिव्यू करूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से आपको बोलूँगा, अगर वो चीज़ सही होगी तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ वहाँ पर इन्वेस्ट करो, और अगर वो सही चीज़ वो अगर वो नहीं होगी तो मैं आपको बोलूँगा कि ना वो सही नहीं है, उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कहीं रैंडमली अपना पैसा नहीं मतलब ठोक देना है, जहाँ से मतलब वो होता है फिर आए ना वापस। जहाँ भी इन्वेस्ट करना है सोच समझ के करना है, मतलब लाइफ में कुछ भी डिसीजन लो पहले उस चीज़ को खुद समझो क्या वो सही है या गलत है। तो फ्रेंड इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, स्कैम से बचने की ज़रूरत है, कहीं आपके साथ स्कैम ना हो। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि मतलब आपको हर चीज़ से अवेयर रखें। और फ्रेंड्स अगर आपने हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना के लाते हैं, और आपका भी है कि हमें सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और खुद भी मोटिवेटेड रहो। किसी की मतलब गलत न्यूज़ में आने की ज़रूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, किसी की मतलब नेगेटिव थॉट जो आपको ये देते हैं ना लोग, इनको इनके मुँह मत लगो। इस तरह के लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचो जितना हो सके यार। ये अपने सब्सक्राइब अपने व्यूज़ के लिए अपने वाचिंग टाइम के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे झांकों में मत फंसो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहां पर ज्वाइन हो जाओ, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वहां पर आपको क्विक अपडेट मिलेगा, और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर दिया जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो जीरो सेल्स की प्रॉब्लम चल रही है लोगों को, वो लोगों के अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं जीरो सेल्स के, तो एक्चुअल फ्रेंड जीरो सेल क्या है वो कुछ नहीं है, डाटा अपडेटिंग का काम हो रहा है, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस में शिफ्ट हो रहा है डाटा आपका। जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी मतलब आईडी पे जो है अपडेटिंग का काम हो रहा है, और जिसको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो उसको भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि उसकी आईडी पे भी मतलब अपडेट होने वाला है, तो उसकी आईडी भी अपडेट होगी। तो जैसे ही आपकी आईडी कंप्लीट अपडेट होगी तो आपको रियल मतलब जो आपकी सेल है वो दिखाएगा। तो अभी आपको जो सेल दिखा रहा है वो रियल सेल नहीं है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बोला आपको समझ आया होगा कि आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको किसी के स्कैम में नहीं फंसना है। इस तरह के जो लोग हैं आपको गलत मतलब अफवाह देते हैं ताकि आप मतलब उतना अफेक्ट पड़े, और लोग पहले ही पैनिक है, इस तरह से मतलब सिचुएशन बनाने की जरूरत नहीं। इस तरह के चैनलों को जो है इग्नोर कीजिए, और लाइफ में जो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए फ्रेंड्स। देखिए पॉजिटिव रहने से ही आप हर चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं और आप उसको कैसे कन्वर्ट करो पॉजिटिव में, इस तरह की आपकी सोच होनी चाहिए, ना कि अगर आप मतलब पहले ही नेगेटिव और आप फिर नेगेटिव सोचो, उससे आपकी लाइफ में बहुत अफेक्ट पड़ सकता है। आप जो काम कर रहे हो आपकी डेली लाइफ में मतलब उससे बहुत चेंज आने वाली है अगर आप नेगेटिव विचार रखोगे। अगर आप पॉजिटिव विचार रखोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सुधार आने वाला है, क्योंकि ऐसा नेचुरली होता है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी हर चीज़ जो है अच्छी होती है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और लास्ट में हमें फीडबैक दीजिए फ्रेंड्स जो भी आपको इस वीडियो के रिलेटेड समझ आया है। तो थैंक यू वंस अगेन वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए फ्रेंड्स, और इन्जॉय कीजिए लाइफ में सब कुछ। थैंक यू फ्रेंड्स।